नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम बात कर रहे हैं महाभारत के एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसने महाभारत के युद्ध में भाग तो नहीं लिया, पर वह महाभारत का एक चर्चित करेक्टर है। जब भी गुरु और शिष्य की बात की जाती है तो शिष्य में सबसे पहले इनका नाम लिया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं एकलव्य के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं एकलव्य की लाइफ की कुछ इंटरेस्टिंग बातें। एकलव्य का जन्म 5000 साल पहले महाभारत समय काल में निशाट ट्राइब के चीफ हिरण्यधनु के घर में हुआ था। निशाट ट्राइब को ट्राइब्स ऑफ हंटर भी कहा जाता था। एकलव्य बचपन से ही हंटर होने के बावजूद एक ग्रेट धनुर्धर और एक ग्रेट योद्धा बनना चाहते थे। गुरु द्रोण उस समय के सबसे महान गुरु थे। उस समय गुरु द्रोण पांडवों और कौरवों को शिक्षा दे रहे थे। तो गुरु द्रोण के आश्रम में एकलव्य अपने पिता के साथ आए और गुरु द्रोण से सीखने के लिए रिक्वेस्ट की, पर गुरु द्रोण ने एकलव्य को सिखाने से मना कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि एकलव्य की लवर कास्ट की वजह से गुरु द्रोण ने उन्हें सिखाने से मना कर दिया था। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि एकलव्य वास्तव में लवर कास्ट से नहीं थे, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो उसके बाद एकलव्य आश्रम से चले गए। आश्रम से जाने के बाद एकलव्य ने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाई, क्योंकि एकलव्य ने गुरु द्रोण को अपने मन में गुरु मान लिया था। एकलव्य ने गुरु द्रोण की मूर्ति बनाने के बाद उनकी मूर्ति के सामने इतनी प्रैक्टिस की कि वो धनुर्विद्या में अति कुशल हो गए। इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि एक बार गुरु द्रोण पांडवों और कौरवों को शिक्षा दे रहे थे तो एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आ रही थी। तो अचानक कुत्ते के भौंकने की आवाज बंद हो गई। तो गुरु द्रोण और बाकियों ने जाकर देखा तो किसी ने कुत्ते के मुंह को तीरों से भर दिया था, पर कुत्ते के मुंह से एक बूंद भी खून नहीं निकला था। तो गुरु द्रोण ने पूछा, यह किसने किया? तो एकलव्य उनके पास आए। तो गुरु द्रोण ने पूछा, तुम्हारे गुरु कौन है? तो एकलव्य ने कहा, गुरु द्रोण आप ही मेरे गुरु हैं। तो यह सुनकर वहां सब शॉक हो गए। तो एकलव्य ने पूरी स्टोरी सुनाई कि उसने कैसे धनुर्विद्या सीखी। उसके बाद गुरु द्रोण एकलव्य से काफी प्रसन्न हुए, पर गुरु द्रोण ने अर्जुन को ये वचन दिया था कि वे अर्जुन को दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाएंगे। पर गुरु द्रोण ने सोचा अगर एकलव्य ऐसे ही सीखता रहा तो एकलव्य दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बन जाएगा। तो उसके बाद गुरु द्रोण ने एकलव्य को गुरु दक्षिणा देने के लिए कहा और गुरु दक्षिणा में गुरु द्रोण ने एकलव्य का दाएं हाथ का अंगूठा मांग लिया। तो एकलव्य ने बिना सोचे समझे अंगूठा काट कर दे दिया। यह सब होने के बाद एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह भी है कि अपना अंगूठा देने के बाद एकलव्य ने एक न्यू फॉर्म ऑफ आर्चरी को इन्वेंट किया था, जिसमें वो अपनी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर की हेल्प से आर्चरी में एक्सपर्ट हो गया। और इस फॉर्म ऑफ आर्चरी को मॉडर्न आर्ट ऑफ आर्चरी भी कहा जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि एकलव्य भगवान कृष्ण के कजन थे। एकलव्य थे तो किंग ऑफ निषाद हिरण्यधनु के बेटे, पर रियलिटी में एकलव्य देवश्री के बेटे थे और देवश्री वासुदेव के भाई थे और वासुदेव के पुत्र थे भगवान कृष्ण। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि एकलव्य को बचपन में ही देवश्री ने छोड़ दिया था और फिर हिरण्यधनु ने उनको पाला था। इससे हमें यह क्लियर होता है कि एकलव्य एक लवर कास्ट से नहीं थे। ऐसा कहा जाता है कि एकलव्य आगे चलकर जरासंध से मिल गया था। जरासंध बहुत ही अत्याचारी राजा था और वो भगवान श्री कृष्ण का दुश्मन था। जरासंध के बारे में कहते हैं कि जब वो पैदा हुआ था तो वो दो टुकड़ों में पैदा हुआ था और उसे ये वरदान था कि उसकी मौत तब होगी जब कोई उसको बीच में से चीर कर दोनों टुकड़ों को अपोजिट डायरेक्शन में फेंक देगा, जिसमें जरासंध का वध आगे भीम ने किया था। एक बार एकलव्य ने द्वारिका पे अटैक किया और देखते ही देखते पूरी नारायणी सेना को खत्म करने लग गया। तो ये जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि ये धनुर्धर सिर्फ दो उंगलियों से धनुष चला रहा है, तो भगवान श्री कृष्ण को यह ध्यान आया
कि यह आगे चलकर महाभारत के युद्ध में पांडवों के खिलाफ खतरा बन सकता है, जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण और एकलव्य के बीच में युद्ध हुआ। युद्ध काफी देर तक चला, उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने एकलव्य का वध कर दिया। यहां पे एक ग्रेट योद्धा का अंत हो गया। तो ये वीडियो थी इतिहास के एक महान योद्धा के बारे में, जिसे हम आज भी याद करते हैं। तो अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर लाइक करें।